हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल इफ्तारी के लिए मस्क मेलन डेजर्ट। इसके लिए मैंने यहां पर सारी प्रिपरेशन कर ली है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख लिया है। अब हम इसमें सागू बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सागू लिया है। इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इन सागों को हमें तब तक पकाना चाहिए ताकि ये सारे ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इस तरह से हम इसे हिलाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सागू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और सारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। हमने इसे स्टेन कर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए अब हम मस्क मेलन डेजर्ट के लिए यहाँ पर दूध बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप जो भी नॉर्मल दूध इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम एक बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में अच्छे से एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने दूध में कस्टर्ड पाउडर को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ये इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर सारा कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छे से थिक होने तक पका लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये थिक हो रहा है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 टीस्पून के लगभग हमने इसमें शुगर ऐड की है। इसे भी हम बहुत अच्छे से पका लेंगे। चलिए अब हम इसमें मस्क मेलन का पल्प ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से इसका एक ग्राइंड पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे भी पकाएंगे। ये देखिए, इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसे कोई शरबत कहते हैं, कोई डेजर्ट कहते हैं, कोई मस्क मेलन का शेक कहते हैं। लीजिए, हमारा डेजर्ट तो रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून कंडेंस मिल्क लिया है। हमने इसमें सारा ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से हिलाकर रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे यहाँ पर किचन का फैन लगाकर इसे ठंडा कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में डेजर्ट हमारा ठंडा हो जाएगा। चलिए, डेजर्ट हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें सब्जे के बीज ऐड करेंगे। ये तासीर में बहुत ठंडे होते हैं। आप इसे रमजान में यूज ज्यादा कीजिए। इससे आपके मेदे को बहुत ठंडक मिलेगी। और इसे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सागू ऐड करेंगे।
और इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, सागू का डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रखकर चिल्ड कर लेंगे और इफ्तार के लिए सर्व करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मस्कमेलन डेजर्ट को हमने फ्रिज में रखकर चिल्ड कर लिया है और इफ्तारी के लिए हमने सारा सर्व कर दिया है। हमने इसे मस्कमेलन पीसेस के साथ और नट्स के साथ हमने इसे डेकोरेट किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।